तो दोस्तों SBI ने नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड। तो दोस्तों SBI को आपको अप्लाई कैसे करना है इसका इस वीडियो में पूरा डिटेल बताऊंगा कि आपको कैसे इसको अप्लाई करना है, उसका फ्री चार्जेज सबको डिटेल में पहले बता के आपको अप्लाई कैसे करना है। आप एप्लीकेशन जाके अप्लाई कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। जो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखना था तो आपको जब भी अप्लाई करना है तो आप इस वीडियो देख के अप्लाई कर सकते हो। बट उससे पहले दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने देख चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, साइड में बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो दोस्तों जब आप कोई भी गूगल क्रोम में जाकर SBI कार्ड ऑप्शन का SBI कार्ड का जो लिखोगे तो दोस्तों आपके सामने से एंट्री जाएगा। तो जो आप यहाँ लिखा होगा दोस्तों आप देख सकते हो कि इसमें आपको क्या क्या चाहिए। तो दोस्तों ये बता है कि आपको अप्लाई करना चाहते हो तो आपको इतना आपके अप्लाई करने से पहले आपको अपना हाथ में इतना रखना है कि कौन सा कि आपको पैन कार्ड रखना है, उसके बाद दोस्तों अपना आधार कार्ड नंबर और फोटोग्राफ और बैंक अकाउंट डिटेल दोस्तों इतनी आपको चाहिए दोस्तों ध्यान से देखना। उसके बाद दोस्तों आपको जब SBI क्रेडिट कार्ड दोस्तों SBI ने लॉन्च किया है दोस्तों इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। ऊपर दोस्तों आपको यहाँ पे SBI का लोगो और SBI कार्ड देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों आपको साइड में थोड़ा एरो करके ऐसा निशान मिलेगा। उसके बाद दोस्तों इसके सामने आपको कैशबैक मिलेगा क्योंकि दोस्तों ये कैशबैक कार्ड है। आपको इसमें दोस्तों आपको 5% अनलिमिटेड कैशबैक दोस्तों मिलता है। दोस्तों देखो यहाँ पे इसका है 5% कैशबैक। तो दोस्तों यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आपको अपना नाम लिख के आएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कॉन्टैक्टलेस पेमेंट 5000 तक आप कर सकते हो और दोस्तों यहाँ पे टिप्स का भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कैशबैक SBI कार्ड का दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है ये दोस्तों क्रेडिट कार्ड है SBI SBI ने इसका नाम दिया है कैशबैक कार्ड। उसमें दोस्तों क्योंकि कैशबैक इस हर ट्रांजेक्शन पर आपको कैशबैक मिलता है इसके लिए दोस्तों आपको और दोस्तों इसकी ज्वाइनिंग फी 0 है तो इसके लिए दोस्तों SBI ने किसका नाम कैशबैक कार्ड रखा है। तो दोस्तों कैसे अप्लाई करना है चलो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे अप्लाई करना है। दोस्तों आप देखो कि यहाँ पे लिखा है 5% कैशबैक ऑन एवरी ऑनलाइन स्पेंड। जब दोस्तों आप ऑनलाइन स्पेंडिंग ऑनलाइन परचेज जो भी करते हो तो उसमें आपको दोस्तों 5% कैशबैक मिलेगा। उसमें दोस्तों नो ज्वाइनिंग फी है दोस्तों, आपको ज्वाइनिंग फी 1 रुपया नहीं देना है। उसमें दोस्तों मैं आपको आगे जाके बता दूंगा पूरे डिटेल में। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इसको अप्लाई करने के लिए क्या करना है दोस्तों अपनी जो यूनो SBI जो SBI यूनो जो एप्लीकेशन है उसके एप्लीकेशन आपको ओपन कर लेना है। तो दोस्तों आपको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आप अगर SBI यूज़र हो दोस्तों आप SBI कस्टमर हो तो दोस्तों आपको कैसे अप्लाई करना है यूनो से मैं अप्लाई करना सिखाऊंगा। अगर आप SBI यूज़र नहीं हो तो दोस्तों मैं उसमें अलग वीडियो बनाऊंगा वो दोस्तों वेबसाइट में जाकर आप अप्लाई कर सकते हो उसके ऊपर दोस्तों अलग वीडियो आ गया। अभी दोस्तों इस वीडियो में अगर आप SBI यूज़र हो आप SBI कस्टमर हो आपके जो अकाउंट है वो SBI में बैंक में है तो दोस्तों आप कैसे इसको अप्लाई कर सकते हो योनो एप्लीकेशन से। तो जहाँ पर आप लिखा है योनो SBI उसके ऊपर दोस्तों आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों क्लिक करने के बाद तो आपको अपनी योनो एप्लीकेशन में लॉगिन करना है अपना दोस्तों MPIN पासवर्ड जो भी डाल के आपको एक बार लॉगिन कर लेना है। तो मैं क्या करता हूँ अपने एप्लीकेशन में एक बार लॉगिन कर लेता हूँ। तो अपनी योनो एप्लीकेशन दोस्तों है उसको अपना MPIN पासवर्ड डाल के दोस्तों लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आप ये ऑप्शन मिलेगा कार्ड का ऑप्शन, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों क्लिक करने के बाद जहाँ पे दोस्तों ऊपर दोस्तों आप देख सकते हो नीचे आपको सभी कार्ड देखने को मिल जाएंगे। अगर यहाँ पे देखने को कार्ड नहीं मिलता है आपका कैशबैक कार्ड तो दोस्तों यहाँ पे ऊपर शो हो रहा होगा ब्राउज ऑल कार्ड। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ब्राउज ऑल कार्ड, उसके ऊपर दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों क्लिक करोगे तो दोस्तों SBI के जितने भी क्रेडिट कार्ड है वो दोस्तों यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएंगे। जो भी दोस्तों अगर आप पहले से क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया हो तो दोस्तों आपने यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो दोस्तों हम इस वीडियो में ओनली फॉर SBI कैशबैक कार्ड दोस्तों अभी भी लॉन्च हो उसके बारे में अप्लाई करने की बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करना है अपने दोस्तों यहाँ पे मिलेगा कैशबैक SBI कार्ड, उसके ऊपर दोस्तों आपको अप्लाई पर क्लिक नहीं करना है पर दोस्तों यहाँ पे कार्ड पर आपको क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपको पहले बेनिफिट सब कुछ ध्यान लेना है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे मिलेगा कैशबैक कार्ड और दोस्तों नो ज्वाइनिंग फी दोस्तों लिखा है एनजीओ फॉर प्रीवियस फ्री एंड रिन्यूअल फी फॉर 999 रुपये टैक्स पेबल सेकंड ईयर रिवर्ड। तो जो आपको नो ज्वाइनिंग आपको ज्वाइनिंग फी दोस्तों 1 रुपया नहीं लगने वाला है। आपको 1 साल तक इस कार्ड को आपको कार्ड फ्री रहेगा। दूसरे साल जब दोस्तों आप यूज़ करोगे तो दोस्तों आपको 999 प्लस GST टैक्स जो भी है दोस्तों आपको पे करना पड़ेगा। अगर दोस्तों आप 2 लाख एक साल में अगर 2 लाख से ज़्यादा अगर आप उसी को पार्ट से यूज़ कर ले तो परचेस कर ले तो दोस्तों आपको दूसरे साल भी आपको ये फ्री रहेगा, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। जब दोस्तों आप 2 लाख से ज़्यादा आप परचेस ट्रांजेक्शन कर लोगे इस कार्ड के तो पहले साल तो फ्री रहेगा, दूसरे साल तो आपको 999 प्लस GST लगेगा। अगर दूसरे पहले साल जो आपका दोस्तों पहले साल फ्री रहा है उस साल में आपने 1-2 लाख से ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर किया है तो दोस्तों आपको 999 पे नहीं करने पड़ेंगे, वो भी दोस्तों आपका ऑटोमेटिक फ्री हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप लिखा कार्ड कैशबैक तो दोस्तों आपको 5% कैशबैक एवरी ऑनलाइन स्पेंड विदाउट मर्चेंट रजिस्ट्रेशन। दोस्तों आपको ऑनलाइन जो भी आप काम करोगे ऑफलाइन नहीं दोस्तों ऑनलाइन जो भी परचेस करोगे इसमें दोस्तों आपको 5% कैशबैक आपको देखने को मिलेगा और मर्चेंट में रजिस्ट्रेशन रहेगा। 1%
कैशबैक ऑल ऑफलाइन स्पेंड इन यूटिलिटी बिल पेमेंट। तो दोस्तों यूटिलिटी बिल पेमेंट करोगे तो आपको 1% आपको कैशबैक देखने को यहाँ पे मिलेगा। कैशबैक नॉट एप्लीकेबल रेंट पेमेंट फ्यूल स्पेंड वॉलेट मर्चेंट। दोस्तों जो यहाँ पे दोस्तों आप जो भी वॉलेट फ्यूल पेमेंट दोस्तों यहाँ पे बैलेंस ट्रांसफर करते हो तो आपको कैशबैक देखने को यहाँ पर आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। एसएल पी दोस्तों कार्ड कैशबैक विल बी ऑटो क्रेडिट एसबीआई कार्ड अकाउंट विद इन 2 डेज नेक्स्ट स्टेटमेंट जनरेट। दोस्तों आपको जो भी कैशबैक का दोस्तों मिलेगा वो दोस्तों ऑटोमेटिक आपके दोस्तों उसमें क्रेडिट कार्ड में क्रेडिट हो जाएगा। दोस्तों उसमें आपको अलग से कुछ दिया नहीं जाएगा बल्कि दोस्तों आपको जो भी क्रेडिट है उसमें दोस्तों आपको वो ऑटोमेटिक क्रेडिट कर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों स्पेंड ऑटोमेटिक दोस्तों अगर रिन्यूअल रिवर्सल रिन्यूअल फी दोस्तों एनुअल 2 लाख से ज़्यादा मैंने दोस्तों आपको पहले बता दिया। उसके बाद तो आपके कंपिलिटी भी डोमेस्टिक लॉर जो दोस्तों फ्यूल चार्जेस 1% फ्यूल चार्जेस वी वर एक्रॉस पेट्रोल पंप इंडिया। जो भी हर पूरे इंडिया में अगर पेट्रोल पंप या पेट्रोल 1% आपको कैशबैक यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद तो आपको क्या कहते हैं 500 से लेकर 3000 तक आपको जीएसटी भी उसमें दोस्तों आपको यहाँ पे अच्छी तरह पढ़ लेना अपने अपने हिसाब से। उसके बाद आप फीचर पर क्लिक करेंगे फीचर पर टर्म एंड कंडीशन दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा। टर्म एंड कंडीशन क्या क्या है उसमें दोस्तों आप क्लिक करके चेक कर सकते हो क्योंकि ज़्यादा में बना हुआ वीडियो लंबी हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों कैशबैक कार्ड कैशबैक दोस्तों मैंने आपको बता दिया असल में जो भी सब कुछ मैंने पहले आपको बता दिया। उसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं फी एंड चार्ज पर क्लिक करते हैं। दोस्तों ज्वाइनिंग फी 1 टाइम दोस्तों एक ही बार आपको 1 साल के लिए ज्वाइनिंग फी नहीं लेने की फ्री रहेगी। ज्वाइनिंग फी आपको एक कुछ मिल जाए 1 टाइम एक ही बार आपको नहीं 1 साल तक आपको कुछ ऐसे ही पे करना है। रिन्यूअल फी पर एनुअल दोस्तों हर साल आपको रिन्यूअल फी 999 सेकंड ईयर से दूसरे साल से 1 साल तक आपको फ्री रहेगी। दूसरे साल से दोस्तों जब दूसरा साल आपका कार्ड का हो जाएगा वह उसी दिन दोस्तों आपको 999 प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। अगर आपने 2 लाख से ज़्यादा पहले साल यूज़ किया है तो दोस्तों दूसरा साल का दोस्तों 999 फी लगता है वो आपका भी वो भी नहीं लगेगा। एडवांस फ्री पर नील रहेगा और जो फीस एंड चार्जेस सब कुछ मैंने आपको पहले बता दिया आपको अच्छी तरह पढ़ने अपने हिसाब से। कोई प्रॉब्लम है तो इस पे नंबर भी दिएगा नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हो। हेल्पलाइन नंबर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए हम अप्लाई कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे मिलेगा आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन और नीचे भी दोस्तों आपको देखने को मिलेगा अप्लाई नाउ का ऑप्शन। दोनों में दोस्तों जो चाहो वहाँ पे क्लिक कर सकते हो। तो नीचे दोस्तों आपको अप्लाई नाउ ऑप्शन में आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों क्लिक करोगे तो आपका बैंक अकाउंट में जो भी डिटेल होगा वो डिटेल ऑटोमेटिक यहाँ पे शो कर देगा। आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी आपका नाम सब कुछ चल रहा है बैंक में वो यहाँ पे शो करेगा आपका डेट ऑफ बर्थ पैन कार्ड अपना मोबाइल नंबर। उसके दोस्तों आप ऐसे KYC नंबर अगर आपके पास है तो डाल सकते हो नहीं है तो ये ऑफिशियल है नहीं कोई बात नहीं है नहीं डालोगे तो भी चलेगा। उसके बाद जो आपके नीचे का मिलेगा मदर्स नेम आपका दोस्तों मम्मी का नाम जो मदर्स नेम वो जो भी है वो आप डाल के नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों जैसे अपना मम्मी का मदर्स का नेम डाल के आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो दोस्तों आपका एड्रेस यहाँ पे जो भी दिया है अपने अकाउंट में वो एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपके आप यहाँ पे ऑक्यूपेशन में आपको जो भी दोस्तों आप हाउस वाइफ एंटर सैलरी टाइम पर जो भी हो दोस्तों यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद दोस्तों अपना कंपनी का नेम आप क्या बिजनेस करते हो जो भी आपका हो वो डाल दें। डिजाइग्नेशन में दोस्तों आप क्या करते हो वो डाल देना है आपका अभी क्या कर रहे हो वो भी जो भी हो डाल देना है। उसके बाद आप 2 टिक करके यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसका दोस्तों यहाँ डिटेल अपना आपने जो दोस्तों जो डाले हो इससे एकदम सही से डिटेल डालना है कुछ भी गलत डिटेल मत डालना वरना आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो जो सही से डिटेल डालने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे दिखा हुआ है देखो यहाँ पे कार्ड डिलीवरी एड्रेस इज सेम एन रेसिडेंट एड्रेस। दोस्तों अगर आपका सेम एड्रेस है तो दोस्तों आप यहाँ पे टिक कर देना तो दोस्तों उसी एड्रेस पे आपका कार्ड डिलीवर हो जाएगा आपको। क्योंकि दोस्तों कार्ड जो है दोस्तों आपके बाय पोस्ट मिलेगा उसमें दोस्तों आपको एड्रेस आपको एक बार अच्छी तरह चेक कर लेना क्योंकि उस एड्रेस पे आपका जो कैशबैक कार्ड है आपको डिलीवर किया जाएगा मिल जाएगा। अगर आप इस एड्रेस पे नहीं रह रहे हो तो दोस्तों आपको अनटिक कर देना। अनटिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अपना जो भी एड्रेस है यहाँ पे अच्छी तरह डाल देना है। जो भी एड्रेस डाल के अगर वो ऊपर वाला एड्रेस आप नहीं रहते हो तो दूसरा एड्रेस डाल के भी सबमिट कर सकते हो। जैसे दोस्तों सबमिट पर क्लिक करोगे दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा उस OTP को दोस्तों यहाँ पे डाल देना है। OTP डालने के बाद दोस्तों आप सबमिट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों अपना जो दोस्तों मोबाइल नंबर दोस्तों अपने अकाउंट में SBI बैंक अकाउंट में दिया है उसी नंबर पे दोस्तों आपका दूसरा नंबर दिया दूसरे नंबर पे आपको OTP आएगा। OTP अगर नहीं आता तो रिसेंट OTP करके आप दूसरा OTP मंगवा के OTP डाल के सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जैसे दोस्तों OTP डाल के सबमिट पर क्लिक करोगे दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलेगा अप्रूवल पेंडिंग। दोस्तों आपका जो दोस्तों अप्रूवल है दोस्तों पेंडिंग आपको दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लेना है। और दोस्तों थैंक्स फॉर एप्लीकेशन कैशबैक SBI क्रेडिट कार्ड इज रिप्रेजेंटेटिवली कनेक्ट विद शॉर्टली। तो दोस्तों आपका दोस्तों जो SBI अप्रूवल अप्लाई के लिए अप्लाई हो गया है और आपका दोस्तों शॉर्टली थोड़े टाइम में आपका दोस्तों जो SBI एग्जीक्यूटिव जो भी है दोस्तों आपके हिसाब से संपर्क करेंगे आपको कॉल करेंगे बात करेंगे
तो जब देखा लीड रेफरेंस नंबर आपका रेफरेंस नंबर जो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आपके यहाँ पे सक्सेसफुली आपका दोस्तों जो एसबीआई कैरी का लॉन्च हुआ है सक्सेसफुली यहाँ पे अप्रूवल हुआ, अप्रूव अपने अप्लाई कर दिया, आप अप्रूवल पेंडिंग है। जब यहाँ दोस्तों आपका अप्लाई सक्सेसफुल हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको कॉन्टेक्ट किया जाएगा, दोस्तों पूछिएगा आपको सब कुछ आपको बता देना है। उसके बाद दोस्तों आपका कार्ड जो भी है दोस्तों आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा। जब भी दोस्तों आपका हमारा कार्ड घर पर डिलीवर होगा तो दोस्तों उसका हम अनबॉक्सिंग वीडियो बनाएंगे कि उसमें दोस्तों कैसा कार्ड मिलता है कैसा आता है वो अलग से दोस्तों आपको वीडियो बना के दे देंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको पता चले कि ये कैशबैक कार्ड है कैसा आता है कि देखने को कैसा मिलता है उसको कैसे यूज़ करना है सब कुछ आगे जाना आगे जाके हम जहाँ चैनल पर वीडियो आपको देते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। उसके दोस्तों आपको बैक टू कार्ड पर क्लिक करके आपको बैक चले जाना है। जब भी दोस्तों आपका अप्रूवल हो जाएगा आपको कंफर्म कर दिया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आएगा। फिर भी डाउट या प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बता सकते हो, हमसे बात करना चाहते हो इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो करके बात कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो पसंद अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने सभी दोस्तों का शेयर कर देना। चैनल पर नए और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ताकि जब भी कोई नया अपडेट एंड नया वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो दोस्तों आज के वीडियो इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।